Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Okay. ठीक है, राज वर्मा आया कि नहीं? तुम ज्वाइन कर लिए? आज संख्या कुछ कम दिख रहा है, क्यों? इतना ही था क्या संख्या आज? हेलो, यस सर, संख्या आज कम है? यस सर, आज सुबह से ही कम है सर। सब पटना आने जाने में होगा बिजी। सब पटना आने जाने में होगा। आज स्टार्ट करना था, आज बोले थे सबको कि पढ़ के आने के लिए बोले थे ना। यस सर, तब क्या करें, अब सबका ऐसे ही इंतजार थोड़ी करते रहेंगे। यहां तक तो हो गया था, आगे बोले थे। आज क्या बोले थे? सर्कुलर क्यों पढ़ाने के लिए? और आज का जो टॉपिक उठाए थे, दैट इज अ सर्कुलर क्यू। ठीक है, सर्कुलर क्यू। वैसे टाइप्स ऑफ क्यू में भी आप रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई पूछे कि क्यू के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्या? क्यों? क्यों? ठीक है, तो टाइप्स में एक निकल के आता है सर्कुलर क्यू, जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक निकल के आता है डी क्यू, और एक निकल के आता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये तीन तरह के क्यू होते हैं। लेकिन ये तीनों तरह के क्यू क्यों बनाए गए, क्यों इनमें टाइप्स खोजा गया? स्टैक में तो नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो जनरल क्यू का कंसेप्ट है, उसमें एक ड्रॉबैक है। ठीक है, और पिछले क्लास में भी वो ड्रॉबैक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लेते हैं कि क्यूब फुल है, ठीक है, और अगर हम कोई एक वैल्यू डिलीट करते हैं और दोबारा हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो नहीं होता है, फिर भी कहता है क्यूब फुल। एवरीबॉडी? ठीक है, यानी कहीं ना कहीं क्यूब के डिसएडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए ये टाइप्स ऑफ क्यूब खोजे गए, कि भाई उस डिसएडवांटेजेस को क्या किया जाए, इनसे रिप्लेस किया जाए, ठीक है, ताकि उस डिसएडवांटेज को हम हटा सकें। ठीक है, सर। तो सबसे पहले फॉर अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलर क्यूब,
सर्कुलर क्यू वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट ड्रॉबैक ऑफ क्या किसको किसका ड्रॉबैक समझना होगा क्यों का ठीक है कहता है ड्रॉबैक ऑफ क्यू is that suppose there is a queue in full status and we are going to delete a value and we are also going to insert a value value in the queue the queue still react queue is kya empty isme कुछ भी यानी क्यू अब तक क्या रिएक्ट कर रहा है क्यू इज फुल मैंने क्या कहा कि मान के चलते हैं कि एक क्यू हम ले रहे हैं जो फुल स्टेटस में है और फिर हमने क्या किया वी आर गोइंग टू डिलीट अ वैल्यू हम जा रहे हैं एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए हमने कर भी दिया एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू डिलीट हो गया तो एक जगह तो खाली हो गया ठीक है और हम एक वैल्यू को और इंसर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो फिर भी मैसेज दे रहा है क्यू इज फुल क्यों क्योंकि डिलीशन का पोजीशन कोई और है फ्रंट से डिलीट होता है और इंसर्ट जब करते हैं तो वो कहां पे करता है रियर से करता है और रियर अभी भी लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है ठीक है yes. तो कैसे वो करेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल दैट इज मान लीजिए कि ये आपका एक क्यू है 1, 2, 3 and 4 दिस इज योर फ्रंट एंड दिस इज योर रियर रियर ये अभी स्टेटस क्या है फुल है ठीक है मान के चलते हैं कि ये फुल है हमारा इतना ही क्या है अब कहता है कि अगर हम एक डिलीट करते हैं क्या करते हैं एक डिलीट करते हैं डिलीट ठीक है तो कहता है कि बिल्कुल हो जाएगा सर डिलीट डिलीट होगा तो क्या होगा तो यहां आ गया फ्रंट आ गया ना और यहां आ गया क्या ये वाला प्लेस लॉजिकली क्या हो चुका है डिलीट फिजिकली तो नहीं हुआ है लॉजिकली ठीक है और ये जो कंसेप्ट है ना ये एरे के साथ ही है लिंक्ड लिस्ट के साथ नहीं है यानी ये जो कंसेप्ट हम सर्कुलर क्यू की बात करें या टी क्यू की बात करें इसका एडवांटेज हम उठाएंगे किस पे एरे पे क्यू इंप्लीमेंट विथ अरे लिंक लिस्ट में नहीं होगा पॉइंट क्लियर
क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, नोड परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है. इसलिए लिंक्ड लिस्ट के साथ ये इशू नहीं है. ये इशू किसके साथ है? एरे के साथ है. अब दिक्कत क्या है कि हमको पता है कि एरे में एक वैल्यू लॉजिकली डिलीट है पर ये जगह खाली है, ठीक है. लेकिन हम फिर भी अगर हम इंसर्ट करेंगे, अगर हम इंसर्ट करते हैं इसके बाद भी वैल्यू, तो क्या जवाब देगा? क्यों? क्योंकि रियर अभी भी कहां है? लास्ट इंडेक्स पे. और ये कहता है कि इसके आगे जगह होगा तब ना हम आपको करने देंगे, ठीक है. ये वाला तो आपका हम जगह का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ये तो एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया, मेमोरी वेस्टिंग का कंसेप्ट हो गया, ठीक है. इसको कैसे पॉजिटिवली किया जाए, इसी को करने के लिए ठीक है सर्कुलर कंसेप्ट, ठीक है. To eliminate the problem arises with Q, to eliminate the above problem arises with Q, implemented with किसके साथ? अरे implemented with array, we require circular Q. Circular. ठीक है. सर्कुलर क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू इन विच फ्रंट and rear positions are connected together like forming a circular. ठीक है, लाइक फॉर्मिंग अ सर्कुलर कंसेप्ट. ओके, द बेनिफिट ऑफ सर्कुलर क्यू इज दैट वी कैन यूज the deleted position for new insertion के लिए deleted position का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. चुपचाप नहीं रहना है, जो लाइन में दिक्कत होगा पूछना है. Yes, sir. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका फायदा क्या मिलेगा कि भाई जो पोजीशन आप डिलीट करेंगे उस पोजीशन का आप दोबारा इंसर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर ना कर दिए हैं तो दोनों क्या बोलते हैं फ्रंट और रियर पोजीशन दोनों को टुगेदर एक साथ मिला दिए हैं, ठीक है. तो मिला दिए हैं तो घूमेगा, और घूमेगा तो वो पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे जो डिलीट किए हैं, और वहां जाके हम नया इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है.
सर तो ये एरे से हट जाएगा? नहीं, है तो एरे ही, हम कुछ ऐसा लॉजिक लगा दिए कि वो एरे होने के बावजूद भी क्या हो गया, सर्कुलर। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये पहले बात को समझिए। मान लीजिए कि ये एरे है, मान लीजिए कि ये एक एरे है, फोर का एरे है। यस सर। यहां आपका क्या है और यहां आपका क्या है, रियल। जब हम क्यू में बता रहे हैं तो हम क्यू में ये कह रहे हैं कि दो डोर है, क्या है? दो डोर। दो डोर। और यहां पे अब हम क्या कह रहे हैं कि दोनों डोर को हमने क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, लाइक फॉर्मिंग अ सर्कुलर कंसेप्ट। यानी अब यही एरे कुछ ऐसे है, और यहां फ्रंट है और यहां कौन है, रियर। ठीक है। अब कहता है कि अगर फ्रंट डिलीट होगा तो फ्रंट यहां पहुंच जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर रियर लास्ट पे है और ये वाला वैल्यू डिलीट है तो चेक कर सकता है कि भैया क्या ये जीरो वाला पोजीशन जो है खाली तो नहीं है, तो देखा कि हाँ खाली है क्योंकि फ्रंट यहाँ पे नहीं है, तो कहा कि मैं चला जाऊंगा यहाँ पे और एक नया वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है। अब सर्कुलर में क्या होगा, जब जनरल क्यू में होगा तो रियर हमेशा फ्रंट से बड़ा या बराबर होगा, छोटा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम सर्कुलर करेंगे तो सर्कुलर में रियर जो है वो फ्रंट से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है। तो रियर का फ्रंट से छोटा होने का मतलब है कि हमने इंसर्शन डिलीशन के दौरान सर्कुलेट किया, क्या किया, सर्कुलेट किया। अरे किया तभी ना छोटा हुआ, नहीं करते तो छोटा होता नो सर, नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो हमारी जो एक्सेसिंग होगी वो होगी उस केस में, यहां ध्यान दीजिए, उस केस में कहां तक होगी, फ्रंट से लेके लास्ट इंडेक्स तक होगी। ठीक है। और फिर जीरो से लेके कहां तक होगी, गियर तक। अब मान लीजिए इसको हमको एक्सेस करना है तो फ्रंट से लेके लास्ट इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स है ना? यस सर। ठीक है। तो फ्रंट से लास्ट इंडेक्स तक करेंगे तो दो तीन चार मिल गया, और उसके बाद जीरो से लेकर रियर तक, तो रियर भी जीरो पे है तो जीरो से जीरो तक हमको 15 मिल गया। तो आ गया ना हमारा वैल्यू 2 3 4 15। यस सर। पहले था 1 2 3 4, अब हो गया 2 3 4 15। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम फिर से डिलीट करते हैं, फ्रंट यहां से उठ के कहां चला आएगा, 3 पे। ठीक है। अब फिर से हम कहते हैं नया इंसर्ट करेंगे तो रियर देखेगा मेरे बाद वाला जो जगह है वो खाली है, फ्रंट तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे रियर चला गया। ठीक है। और कहा कि यहाँ पे कोई भी नया वैल्यू दे दीजिए 20। अब इसको एक्सेस करेंगे तो फ्रंट से लेके लास्ट इंडेक्स मतलब 3 और 4 आएगा। यस सर। और फिर जीरो से लेकर रियर तक तो 15 और 20 आएगा। यस सर। ठीक है। This is the basic concept. अब ये हम लोगों को करना है। हेलो कौन? हाँ बोलिए। सब डाला हुआ है, कल सारा अपडेट हो गया है, आप जाके अपने ग्रुप में खोजिए। नहीं ग्रुप में नहीं डाले हैं, आपका जो प्लेलिस्ट है ना उस प्ले, अजीब बात है, कल हम सब डाले हैं, मार्च का पूरा डाल दिया, फरवरी का पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है। हाँ तो 22 फरवरी के आगे का देख लीजिए, उसमें हम पूरा डाल दिए हुए हैं। ठीक है।
आप प्ले लिस्ट खोजे हैं, कभी खोले हैं कि नहीं अपना प्ले लिस्ट? यहाँ सारा बच्चा आपके बैच का जितना भी है सब आपके प्ले लिस्ट से ही पढ़ता है, तो एक बार खोल के आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सारा मिलेगा, आपके बैच नेम से वो प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक, ये आप लोग में आयुष नाम का बच्चा है क्या? नहीं सर, 445 में कोई नहीं है आयुष। ये BSCIT ये फर्स्ट ईयर का बच्चा था क्या? हाँ फर्स्ट ईयर का तब होगा, इसी सब को लिंक में बहुत दिक्कत होता है, मतलब बच्चा कुछ करना चाहता ही नहीं है, सब चाहता है कि एकदम पका पकाया उसको दे दिया जाए, मेहनत नहीं करेगा तो कैसे कुछ होगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर, तो जो डिलीट करेंगे उसके बाद वाला बड़ा वैल्यू में रखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं रख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब -15 -20 रख लीजिए ना। ठीक है, ये सब एकदम विचित्र वाला बात हो गया, आप यहाँ पे रख लीजिए वैल्यू क्या, -15, यहाँ पे क्या रख दीजिए -20, जो मर्जी हो सो रखिए। ठीक है, वैल्यू आपका है, कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी हो। क्लियर सर? ठीक है, अब है लॉजिक कि सर ठीक है बता तो दी है, लेकिन इसमें फ्रंट और रियर तो घूम जा रहा है सर, और घुमाना भी तो हम ही को पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी पहली बार में किसी सर्कुलर क्यू को आप बनाते हैं, आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो मैं क्यू बनाने वाला हूं वो क्या है? सर्कुलर। ठीक, सब कोई समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? यस सर। ये मैं 4 का 4 का ले रहा हूं, तो शुरू में तो भैया मेरा फ्रंट और रियर दोनों क्या रहता है? -1। ठीक है, यानी अभी सर्कुलर क्यू क्या है? एम्प्टी। अरे स्टार्टिंग में तो सब एम्प्टी ही ना रहेगा। यस सर। ठीक है, तो जब पहली बार हम इसमें काम करना शुरू करेंगे तो वो तो नॉर्मल क्यू की तरह चलेगा। यस सर। चलेगा, पहले तो नॉर्मल क्यू की तरह चलेगा, अभी कुछ नहीं है, जब हम इसमें पहला वैल्यू डालेंगे, ठीक है, जब हम पहला वैल्यू इसमें डालेंगे ठीक है, मान लीजिए कि हम पहला वैल्यू इसमें 10 डालें, तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों कहाँ आएगा? 0 पे। और इसमें क्या चला जाएगा? 10। फिर हम 20 डालें, तो 10 तो है, तो यहाँ पे फ्रंट रह जाएगा, रियर कहाँ आ जाएगा? 1 के पास। मतलब ये नॉर्मल जैसे हम लोग क्यू में काम कर रहे थे वैसे ही चलेगा, तो कहता है हाँ शुरुआती में तो वैसे ही चलेगा। तो फ्रंट यह रहेगा 10, 20 और 30, यहाँ क्या आ जाएगा? रियर। ठीक है, और 40 देंगे,
तो मेरा रियर कहाँ आ जाएगा? थर्ड पे। क्लियर? यस। लेकिन इसके बाद देंगे ठीक है? यस सर। लेकिन इसके बाद हम डिलीट करेंगे तो डिलीट तो होगा ना? यस सर। और डिलीट होगा तो क्या होगा? यहां था 10, यहां था 20, यहां था 30, यहां था 40, यहां था फ्रंट, यहां था रियर। अभी फ्रंट यहां से हटके कहां चला आया? 20 पे। और ये वैल्यू क्या हो गया? लॉजिकली डिलीट हो गया, लेकिन जगह तो खाली है ना? यस सर। ठीक है, तो अब अगर हम इंसर्ट करते हैं, अब हम देते हैं 50 की 50 को क्या करो? इंसर्ट करो। तो अब तो जगह है ना सर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब रियर क्या देखा? देखा कि जीरो वाला तो डिलीट हो गया है, तो जगह खाली है। ठीक है, तो रियर कहा कि हम लास्ट इंडेक्स में है ना, अब हम जंप करके कहां चला? हम तो सर्कुलर है, तो जंप करके तो हम जीरो पे जा ही सकते हैं, तो कहां चले आएंगे? जीरो पे। और यहाँ किस वैल्यू को डाल देंगे? 50 को। ये हो गया सर्कुलर। यहाँ पे हुआ एक्चुअली में क्या? सर्कुलर। और हमें यही व्यवस्था यहाँ बनानी है। तो एक तो जनरल जो हमारा क्यू का लॉजिक है वो तो रहेगा ही, ठीक है। दूसरा, हमको इसमें सर्कुलर के भी कंसेप्ट को क्या करना होगा? इंप्लीमेंट करना होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लॉजिक में देखते हैं क्या क्या होगा। इंसर्ट में सबसे पहले आते हैं, तो यही बगल में यहां लिखे इंसर्ट का लॉजिक। इंसर्ट, ठीक है। पहला लॉजिक ये रखेंगे कि अगर फ्रंट और रियर दोनों क्या है? माइनस वन। क्या है? माइनस वन। माइनस वन है तो क्या हो जाएगा? क्यू एम्प्टी। क्यू एम्प्टी। ठीक है, इसमें कहीं कोई सोचना नहीं है। तो क्यू एम्प्टी का हम स्टेटस क्यू चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, दूसरा जरूरत पड़ेगा तो ठीक है। दूसरा, हमको इंसर्ट्स के दौरान एम्प्टी चेक करना है पहला के लिए, ठीक है। अगर फ्रंट जीरो पे है और रियर लास्ट इंडेक्स पे है, तो क्या हो जाएगा? क्यू फुल होगा। फुल हो। गुड, ठीक। इसका मतलब सर्कुलर नहीं हुआ है लेकिन फुल है, ठीक है। ओके, अगर फ्रंट जो है, रियर जो है, वो लेस देन फ्रंट है, क्या है? लेस देन फ्रंट मतलब रियर अब छोटा हो चुका है किससे? फ्रंट से। फ्रंट से, ठीक है। एंड रियर प्लस वन बराबर है किसके?
फ्रंट से तब भी क्यू क्या होगा फुल वाह ठीक है तब भी मेरा क्यू क्या होगा फुल फुल होगा ओके और अगर ये तीनों स्थिति छोड़ दिया जाए ठीक है तो मेरा जो ये इंसर्शन का कंसेप्ट है वो काम करेगा करेगा ना यस सर हाँ एक चीज हमको यहाँ पे एक चीज देखना है कि पहली बार में अगर फ्रंट रियर माइनस वन होगा तो दोनों को बढ़ा के तब इंसर्शन करेंगे ठीक है यस सर यहां देखिए अगर फ्रंट रियर माइनस वन है और उस समय इंसर्ट आ रहा है तो दोनों को क्या करेंगे yes. ठीक है और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो सिर्फ किसको बढ़ाएंगे रियर को रियर को ठीक है फ्रंट रियर माइनस वन ठीक है एंड और फ्रंट लेस देन क्या रियर फ्रंट लेस देन रियर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रंट लेस देन रियर नहीं इसमें इसमें यहाँ पे नहीं होगा ये होगा अगर लास्ट तो गड़बड़ हो जाएगा हाँ इसके लिए हो जाएगा नहीं वो सब कंडीशन देंगे वो सब कंडीशन हम लोगों को रखना होगा एल सेफ अगर ये दोनों माइनस वन है तो दोनों बढ़ जाएगा इंसर्शन हो जाएगा इस पोजीशन पे ठीक है और अगर माइनस वन नहीं है तो सिर्फ रियर बढ़ेगा ना Yes, तो हमको तो सर्कुलर वाला अवस्था को भी लेके ना सोचना है तो इसमें हमको सोचना ये होगा कि एल सेफ फ्रंट रियर लेस देन क्या लास्ट इंडेक्स ठीक है अगर रियर लास्ट इंडेक्स से छोटा है तो सिर्फ क्या बढ़ता जाएगा रियर रियर ठीक है इंसर्ट होता जाएगा ये आपका हो गया नॉर्मल वाला स्थिति ठीक है एक और स्थिति हम लोग इसमें सोच सकते हैं कि फ्रंट रियर माइनस वन नहीं है ठीक है आपका रियर जो है वो लास्ट इंडेक्स पे है ध्यान दीजिएगा एंड फ्रंट जो है वो जीरो पे नहीं है नॉट इक्वल टू क्या जीरो इसका मतलब है कि डिलीशन हुआ है और हमको सर्कुलेट करना है ना यस तो रियर को कहां रख देंगे जीरो पे और इंसर्ट कर देंगे ये एक सिचुएशन हो गया रियर लास्ट इंडेक्स पे है ठीक छठा अगर रियर छोटा है फ्रंट से ठीक है एंड रियर प्लस वन नॉट इक्वल टू फ्रंट है ठीक है तो भी रियर प्लस प्लस करेंगे और इंसर्शन कर देंगे ये समझ में आया नहीं आया yes. यानी रियर छोटा है फ्रंट से मतलब रियर पीछे है फ्रंट के और कह रहा है कि मेरे आगे वाला फ्रंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो भी डिलीट हुआ है तो हमको वहां पे क्या करना है प्लस करना इंसर्ट करना मतलब इंसर्ट कर देना वहां पर यस सर तो ये आपके कुछ सिचुएशंस हैं जो हमको लगाने होंगे बाकी तो ऊपर में दे ही दिए हैं क्यू फुल वाला स्टेटस यस सर
तो ये हमको लिखना होगा वन बाई वन, ठीक है। तो इसको कंपोज करना होगा और अगर यहीं पे लिखा जाए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यू है, फाइव ही का लेकर अभी समझते हैं, कितना का लेकर समझते हैं, फाइव, ठीक है। उसी भी फंक्शन बनाते हैं और इंट फ्रंट मेरा कितना है शुरू में माइनस वन, हाँ हाँ भेज, हाँ तो बारह बजे से करेंगे, अभी क्लास ले रहे हैं, बारह दस तक हम लिंक भेजते हैं तुम लोगों को, ठीक। नाम तो वही रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन हम लगा देते हैं कि इफ फ्रंट इक्वल टू जीरो एंड रियर इक्वल टू क्या, लास्ट इंडेक्स क्या होगा फोर, तो क्या मैसेज डालेंगे, क्यू फुल, तो इंसर्ट नहीं होगा, यस सर, ठीक है। हो सकता है कि ये ना हो और सर्कुलेट किया हुआ हो, इफ फ्रंट या रियर, सर्कुलेट करने का मतलब रियर का छोटा होना, तो रियर लेस देन क्या, फ्रंट एंड रियर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, फ्रंट को, ठीक है। तो भी मैसेज क्या आएगा, हालांकि ये दोनों को यहाँ पे कंबाइंड करके भी डाला जा सकता था ना, यस सर, कैसे, ये एक लगा देते फिर और लगा देते है ना, दोनों में से कोई एक, यस, खैर कोई बात नहीं है। तो इस केस में भी क्या मैसेज आएगा, क्यू फुल रिटर्न, ठीक है। मतलब रियर कह रहा है कि मैं तुम फ्रंट से छोटा हूं, मतलब सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी रियर कह रहा है कि मेरे ठीक आगे कौन बैठा हुआ है, इसका मतलब जगह कहाँ है, जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो भैया क्या है, मेरा स्टेटस फुल है, ठीक है, ओके। और तो कोई फुल स्ट्रेस में नहीं है, दो ही था। तीसरा, इफ फ्रंट इक्वल जीरो, सॉरी माइनस वन एंड रियर इक्वल क्या, माइनस वन, तो सर ये
पहली बार आया है वैल्यू इंसर्ट होने के लिए, तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और जो हम क्यू लिए हैं, एरे किस नाम से लिए हैं? इसमें जो वैल्यू आ रहा है उसको डाल देंगे, ठीक है? क्लियर? एल्स इफ लगा देते हैं। ये तो माइनस वन के लिए हो गया, ऊपर वाला जो था ये वाला कर लिए हम लोग। एल्स इफ में क्या है कि अगर रियर लेस देन लास्ट इंडेक्स है, एल्स इफ रियर रियर ऐसे भी करना होगा हमको, रियर ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट एंड रियर लेस देन लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे? फोर। तो इसका मतलब है कि जनरल का कंसेप्ट चल रहा है, तो उस केस में हम सिर्फ किसको बढ़ाएंगे? रियर को, ठीक है? और क्यू रियर में वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अभी तक सर्कुलेशन की बात नहीं हो रही है, यानी रियर बड़ा होगा या बराबर होगा, और रियर का वैल्यू लास्ट इंडेक्स से क्या है? अभी तक छोटा है, तो जनरल कंसेप्ट चल रहा है, चल रहा है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन else if अगर रियर कहां पहुंचा है लास्ट इंडेक्स में एंड फ्रंट जीरो पे नहीं है, फ्रंट जीरो पे नहीं है, इसका मतलब डिलीशन हुआ है सर। हुआ है, और हुआ है तो इसको लास्ट इंडेक्स से जंप करके अब कहां आना है? जीरो पे आना है ना? यस सर। तो प्लस प्लस करने से तो मामला सॉल्व हो नहीं रहा है, क्योंकि तो फाइव हो जाएगा। तो हम रियर को कहेंगे, सुनो रियर, तुम चले जाओ कहां पे? जीरो पे, और इस प्लेस पे तुम वैल्यू डाल दो। ठीक है, और फिर आप चाहें तो ये सब कंबाइंड भी कर सकते हैं, अगर लगे कि कंडीशन कंबाइंड करके छोटा किया जा सकता है तो कर लीजिएगा। हम तो जैसे जैसे सोच रहे हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, else if अब ये है कि रियर जो है वो लास्ट इंडेक्स पे है, यानी रियर छोटा है किससे? फ्रंट से, एंड रियर प्लस वन
नॉट इक्वल टू क्या है? फ्रंट। तो इसका मतलब है कि सर सर्कुलर भले हुआ है लेकिन सर्कुलर होने के बावजूद भी अभी भी जगह है क्योंकि बहुत सारा डिलीट हुआ है, क्योंकि रियर कहता है कि मेरे आगे फ्रंट नहीं है, मतलब कि वो डिलीट हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में? रियर प्लस और क्यू रियर इज इक्वल टू वेल, दैट्स इट, बन गया। बस इतना ही कंडीशन होगा और कोई कंडीशन नहीं होगा इसमें, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक, क्या इसको फोटो बना के फिर से ड्राई रन करें? सर निश क्लास का टाइम हो गया सर। अच्छा टाइम हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखते हैं फिर। यस सर। सर ओके।